गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फिफ्थ की सोशल साइंस। ठीक है, फिफ्थ की सोशल साइंस की आज हमारी ये सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हमने चैप्टर वन को स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर वन हमारा क्या है, ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब्स एंड मैप के अंदर हमने लर्न अबाउट ग्लोब्स ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था। ग्लोब्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ग्लोब क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं हमारी ग्लोब्स क्या रहेगी। देखो, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ को पूरी की पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करना एक 3D व्यू के अंदर। ठीक है, वही हमारा क्या रिप्रेजेंट होता है, एक मॉडल होता है जो 3D रिप्रेजेंटेशन देखता है हमारे अर्थ प्लेनेट की। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें आगे ग्लोब, ये हमने डिस्कस करा था, ये हमारी क्या है, ग्लोब है। ग्लोब हमारी जो लार्जेस्ट ग्लोब है वर्ल्ड की, वो कहां पर है, यूएसए के अंदर है। ये हमारी 3D स्केल मॉडल भी होता है, किसका, अर्थ का, जिसपे हमारे अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट के बारे में, कहां पर वाटर प्रेजेंट है, कहां पर सी ओशन सी वगैरह प्रेजेंट है, उन सब के बारे में हमारे को क्या बताता है, ग्लोब्स बताता है। अभी हम क्या करेंगे, मैप्स को स्टडी करेंगे। मैप्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी देखो मैप्स क्या होते हैं। ए मैप इज ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप हमारा क्या है, ड्रॉइंग है किसके, अर्थ और इसके पार्ट्स की फ्लैट सरफेस पे। देखो, हमारा जो ग्लोब था उसमें हमने जो हमारी अर्थ है उसके 3D व्यू को डिस्कस कर रहे थे, 3D व्यू को देख रहे थे ग्लोब के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मैप है वो एक फ्लैट सरफेस पे, जैसे अगर अपना कॉपी का पेज है ना, उस पे अगर हम किसी का मैप बनाएं, अगर चित्र बनाएं किसी का, ठीक है, जैसे किसी बिल्डिंग का हो गया या किसी विलेज का हो गया, ठीक है, तो वो हमारा पेज के ऊपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अर्थ का सरफेस है और जो वाटर है, जितनी जगह पे वाटर है और जितनी जगह पे सरफेस है, उसका एक फ्लैट सरफेस पे जो चित्र बनाना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ड्राइंग करना उसकी, वही हमारा क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। ठीक है, द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैपो। हमारा जो वर्ड मैप है वो कहां से आया हुआ है, मैपो, विच मीन्स ए नैपकिन। फ्लेमिश मैप मेकर गैरिडिश मेरिकेटर वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश ए कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। देखो, हमारे जो एक फ्लैशिश मैप है जिसका नाम है गैरिडिश मेरिकेटर, ये सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने मैप की एक बुक को पब्लिश किया। मैप की एक बुक का मतलब क्या है, वो बुक जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स हैं, जिसके अंदर अर्थ के मैप हैं, ठीक है, हमारे जो अलग अलग कंट्रीज के मैप हैं, और उनमें जो हमारे जहां पर वाटर बॉडीज हैं, जहां पर मतलब बड़े बड़े ओशन सी वगैरह हो गए, उनके मैप हैं। ठीक है, तो वो एक पूरी की पूरी बुक है, उसके अंदर हर तरीके से, हर टाइप से, हर चीज के हमारे को क्या दिए गए हैं, मैप दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने पब्लिश की थी, गैरिडिश मेरकेटर ने। ठीक है, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। देखो, साइंस किसकी, मैप मेकिंग की। मैप मेकिंग की मतलब क्या है, मैप को बनाना, मैप बनाना। मैप बनाना आसान काम नहीं है, मैप बनाने के लिए भी हमें स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो साइंस हमारी मैप मेकिंग जिसके अंदर हम सीखते हैं उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, उसको क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी। उसके बाद में, द मैप कैन बी ड्रॉन शोइंग द होल अर्थ और एक कॉन्टिनेंट और एक कंट्री और ए सिटी और इवन ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग और ए हाउस, दस ए मैप इज मोर यूजफुल देन ग्लोब। अभी देखो, जो हमारा मैप है उस पे हम क्या क्या शो कर सकते हैं, हम पूरे के पूरे अर्थ का मैप बना सकते हैं। जैसे देखो, ये वाला जो मैप है वो हमारा किसका है, पूरी की पूरी अर्थ का मैप है। ठीक है, जिसमें हमारे यहाँ पर जो ये ब्लू वाला पार्ट है ना, ये वाटर, जहां जहां पर अर्थ पे जितना जितना वाटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये येलो वाला पार्ट है ये लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसके अंदर हमारे कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स भी दिए गए हैं। ठीक है,
द मैप कैन बी ड्रोन टू शोइंग अर्थ, अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कंट्री, इवन ए कंट्री, जैसे हमारा यहां पर क्या है, इंडिया एक कंट्री है ना, तो इंडिया के मैप को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिटी के मैप को भी, जैसे हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं उसके मैप को भी, इवन ऑफ योर स्कूल, हमारे स्कूल के मैप को भी, घर के मैप को भी, ठीक है, हम किसी के भी मैप को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मैप, ठीक है, जिस जिसका हम बना सकते हैं। अभी देखो आगे हमारा क्या रहेगा, मैप जो हम बनाते हैं वो अलग अलग तरीके से, तो उसके अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं, आता है टाइप्स ऑफ मैप, मैप्स के काफी टाइप है, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल मैप, दे शो द फिजिकल नेचुरल फीचर, फिजिकल और नेचुरल फीचर सच एज माउंटेन्स, प्लेटूस, प्लेन्स, रिवर एंड लेक्स। देखो फिजिकल मैप क्या रहेगा, वो वाला मैप जिसके अंदर हमने नेचुरल फीचर्स को शो करा है, जो फिजिकल फीचर्स है, जैसे कैसे माउंटेन जो हमारी पहाड़ियां होगी, प्लेटू जो हमारे पठार हो गए, प्लेन्स जो हमारा सरफेस फ्लैट सरफेस वाला हो गया, रिवर्स नदियां लेक्स झील वगैरह हो गई, इनको हम जब शो करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल मैप। जैसे मैंने ये इंडिया का मैप बना दिया और इसके अंदर इसके जो कहां कहां पर माउंटेन है, कहां कहां पर प्लेन सरफेस है, ठीक है, कहां कहां पर लेक्स रिवर वगैरह है, वो अगर मैं इस पे शो कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, फिजिकल मैप। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, दीज मैप्स शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ईच कंट्री और स्टेट अलोंग विद देयर कैपिटल एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज। अब जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है वो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को, जैसे अगर पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज बनाएं और उनकी बाउंड्रीज को बता दें, भी इंडिया की बाउंड्री यहां तक है, चाइना की बाउंड्री यहां तक है, नेपाल की यहां तक है, पाकिस्तान की यहां तक है, भूटान की यहां तक, हर एक कंट्री की अलग अलग बाउंड्री को शो कर दें और उनकी कैपिटल को भी बता दें, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, इस तरीके से उनकी कैपिटल को बता दें, तो वो हमारा हो जाएगा पॉलिटिकल मैप। या हम क्या करें, इंडिया के अंदर जो हमारे स्टेट है उन स्टेट को बता दें, इस स्टेट की बाउंड्री यहां तक है, इस स्टेट की बाउंड्री यहां तक है, वो सारा का सारा हम अगर शो कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है थीमेटिक मैप। इसमें देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है, देखो ये रहेगा हमारा, दीज मैप शो डिटेल ऑफ सर्टेन थीम्स सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, सोइल, वेदर, रोड्स एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीमेटिक मैप हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मतलब वो वाला एरिया जहां जहां पर जंगल है, जैसे हम इंडिया का मैप लेके और उस पे बता दें कि इतनी इतनी जगह पे जंगल है, हम उसमें रेनफॉल बता दें कि इतनी इतनी जगह पे ज्यादा बारिश होती है, यहां यहां पर ये इस तरीके की मिट्टी है, हम ये बता दें, वेदर्स की कंडीशन को बता दें, रोड्स कहां कहां पर हमारे रोड्स और कहां कहां पर और किस किस जगह पर कैसे जा रहे हैं वो बता दें, क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दें, मतलब फसल कहां कहां पर कैसी हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थीमेटिक मैप्स। तो ये आज का हमारा मैप्स का टॉपिक है, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, मैप्स को, हमने इसके अंदर पहले ग्लोब को डिस्कस किया था, आज मैप्स को। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या रहेगा, ये पूरे के पूरे मैप्स के बारे में लिखना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मैप है वो भी लिखनी है, और आपको एक काम करना है, एक रफ पेज पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाना है, ठीक है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाना है, जैसा भी बने आपको एक बार बनाना है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जो भी जैसा भी बनेगा, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, और एक बात और है, आपको हर सैटरडे को आपका जो टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट, वो भी सारे के सारे बच्चों को देना क्या है, कंपलसरी है, सभी बच्चों को देना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितना कुछ सीख पा रहे हो, कितना कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, और आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो भी आपको सैटरडे को जरूर देना है। थैंक यू।